Okay, dear students, today our topic is completing square method. It is one of the repeat lectures. क्योंकि उसकी वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि हमें स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पे समझा दिए है. सो दैट्स व्हाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसका शॉर्ट वर्ड जो हम यूज करते हैं टीचर्स मैथमेटिशियंस वो CSM भी यूज करते हैं, दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का काम क्या है? ये अक्सर ऐसा होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो फैक्टराइजेशन से आपको टफ हो रही होती है आप उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं. और सेकेंडली इसका ये टूल इस्तेमाल होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के फार्मूला मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने के लिए. सो वो भी हम आगे करेंगे आज ही के लेक्चर में. सो वी आर स्टार्टिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जो है वो मैंने पहले भी लिखा था, उसी को मैं रिपीट करूंगा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो. नोट्स भी इसके मैंने आपको सेंड कर दिए थे. सो दैट दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहली बात ये होती है कि हमने ये देखना होता है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है कि नहीं. पहला पॉइंट मैंने उसमें मेंशन भी किया था. तो ये इक्वेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है. अगर ये स्टैंडर्ड जैसे इसके मैं बाकी दो पार्ट्स करूंगा तो वो आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट रूल इज टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है जी. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं इधर ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ. सबसे पहला रूल ये है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, और वो ये बिल्कुल ऑलरेडी पहले से है. सेकंड ये होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस मेथडोलॉजी ये कहती है कि ये जो कोफिशिएंट आ रहा है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे 11 आ रहा है, ये 11 नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए. इसको 1 पर आने का तरीकेकार ये है कि मैं दोनों साइड पर कर दूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11. मैं 11 के साथ इसको डिवाइड कर दूंगा, इट बिकम्स 11 एक्स स्क्वायर बाय 11, ठीक है जी. अगर पूरा का पूरा पहले कर लेंगे बाद में हम इसको अलग अलग कर लेंगे, -34x + 3 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू 0/11, ठीक है जी. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं फ्रैक्शन को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोबारा से आप एलसीएम लेंगे तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी जो टॉप वाली पोजिशन पर आ रही है. 0/11 बिकम 0. अब क्या हो जाएगा जी, जब ये अलग अलग हो जाएंगे सारे के सारे तो 11 और 11 आपस में कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर -34/11x, ठीक है जी. और फर्दर अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट को उठा के मैंने मूव कर देना राइटवर्ड्स, राइट साइड ऑफ इक्वालिटी. तीन पॉइंट्स मैं यहां पे कवर कर चुका हूं. नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, नंबर 2 डिवाइड करना कोफिशिएंट, यहां पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 लाना, अगर ऑलरेडी 1 होगा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. अब क्योंकि 11 था तो 11 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के राइटवर्ड प्ले कर जाना. तो यहां पर हमने क्या किया जी, अपने 3 के 3 स्टेप पहले पूरे कर लिए. आगे फर्दर दोबारा चलते हैं जी. नेक्स्ट क्या, देखिए जी हम पहुंचे हैं जी एक्स स्क्वायर -34/11x इक्वल्स टू -3/11. अब यहां पे भी एक बात याद रखें, मैंने अक्सर आपको पहले भी बताया आप 34x/11 लिखें या 34/11x लिखें, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं, ठीक है जी. अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगली जो होती है वो शेप ही होती है कि हमारे पास एक रीनोन फार्मूला पहले से मौजूद है a+b² का और a-b² का. वो ये क्या है जी, a² + 2ab + b² ऐसी है, और ये है जी a² - 2ab + b². अगर हम इन दोनों फार्मूलाज को लेकर चले तो ये इसकी पहली दो टर्म इसके साथ कुछ रिजेंबल कर रही है. कैसे, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है और 2ab की शेप हम इसकी बनाने की कोशिश कर सकते हैं. देखो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर -2 × x, जैसे शेप में आ रहा है ना 2a, पहले से 2 × x लिख लिया और रिमेनिंग क्या बचेगा जरा देखें, 34 है, 2 हाउ मेनी टाइम्स 34, 17 × 34/11. अगर मैं सारे को दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो देखें 2 × 17 = 34 हो गए, साथ x आ गया और डिवाइडेड बाय 11 आ गया. इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि इसके हमने अरेंजमेंट बनाई है. क्योंकि पर्टिकुलर मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दैट्स व्हाई नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये करेंगे जो हमने बात समझनी है कि हमें हमें पता लग चुकी है बी टर्म, जैसे a² - 2ab, तो ये बी है तो इस बी का स्क्वायर हम दोनों साइड पर ऐड कर देंगे. ये हो जाएगा जी x² - 2 × x × 17/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे और प्लस हम 17/11 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर देंगे.
हम ऊपर एक स्टेटमेंट भी लिख दिया करते हैं दैट एडिंग 17 बाय 11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ज्यादा ऑब्वियस होता है, अच्छा लगता है। वेल अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x माइनस 17 बाय 11 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 3 बाय 11 प्लस 49 बाय सॉरी इट इज 17 सो इट विल बी 289 बाय 121। ये चीज आ रही है, मैं दोबारा से जरा क्लीन अप करूंगा, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, उसमें हम क्या करेंगे जरा देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये बनता है कि ये x माइनस 17 बाय 11 का हो गया जी होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर ये बनता है, ये हो जाएगा जी 3 बाय माइनस 3 बाय 11 प्लस 289 बाय 121। एलसीएम आ जाएगा 121। कैसे 11 11 और 121 होते हैं, 11 का स्क्वायर ये, तो मैंने आपको पहले बताया था जो बड़ी वैल्यू होती है वो एलसीएम बन जाती है। वैसे आप बाय डिवीजन मेथड भी एलसीएम साइड पे निकाल सकते हैं। ये 11 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होकर 33, साथ आ जाएगा 289। सो बाय दिस इज बिकम इट बिकम्स 256 बाय 121। नाउ इससे आगे क्या होगा सवाल ये उठता, तो बड़ा सिंपल तेजी से करवाने का मकसद भी है कि आपने पहले किया हुआ उस पर, तो आपको बजरा स्टेप बाय स्टेप भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। स्टेटमेंट लिख लेना अच्छा होता है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो क्या होगा, ये हो जाएगा जी एक्स माइनस 17 बाय 11 और ये हो जाएगा जी प्लस माइनस 16 बाय 11। मैंने पहले भी इसमें बताया, आपको दोबारा बता देता हूं बेटा कि हम प्लस माइनस क्यों लेते हैं। प्लस माइनस हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि x एक वेरिएबल है, तो हम इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज को जो है ना वो कैटर करते हैं। अगर इस जगह पे देखा जाए तो 256 बाय 121 ये 16 बाय 11 का स्क्वायर है, दैट्स व्हाई अंडर रूट आने से ही आ गया। प्लस माइनस लेने का मकसद ये कि हर पॉसिबल सॉल्यूशन हम ले लें, और हमें पता है कि प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर दोनों का आंसर 16 आता है। सो नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू दोनों का स्क्वायर हो जाता है सेम, दैट्स व्हाई हमने दोनों पॉसिबिलिटीज x की निकालने की कोशिश की है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर। अब क्या होगा जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, गौर से देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को अलग अलग लिख देंगे। x माइनस 17 बाई 11 प्लस की वैल्यू एक तरफ लिख लेंगे और x माइनस 17 बाय 11 की जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो हम दूसरी तरफ लिख लेंगे। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा और सेकंड पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। अब अगर आप देखिए तो ये बन जाएगा 1 बाय 11 आफ्टर टेकिंग एलसीएम और ये बन जाएगा 33 बाय 11। 11 33 को काट सकता है, सो बाय दिस वी कैन से x का एक आंसर आ जाएगा 3 और x का एक आंसर आ जाएगा 1 बाय 11। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ x, दैट इज 3 एंड 1 बाय 11। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि फैक्टराइजेशन टफ होती है तो हम यूज कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो एप्लीकेबल था, मतलब इजीली डूएबल था और हमने इसको अप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया। अब मैं आपको जो बाकी दो क्वेश्चन है वो भी करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।